Now our next topic is electric field intensity due to an electric dipole in equatorial position. यहाँ तक डेफिनेशन की बात करें, पढ़ा भी चुके हैं अपन, देख भी चुके हैं. क्या थे डेफिनेशन? द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी मेजर इज लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन दिस पोजीशन इज नोन एज इक्विटोरियल पोजीशन. यहाँ भी वही काम करना है हमको, पॉइंट पी पे इंटेंसिटी मेजर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. ठीक, तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसको बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन. 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल सबस्टेंड करें तो उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं. तो यहाँ भी आप देखेंगे कि E1 और E2 दोनों इस एक्सिस के साथ कितना एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं, थीटा. तो दोनों को, एक बार E1 को और दूसरी बार E2 को, इनके रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन फॉर्म में हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना. तो E1 के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल. ये क्या होगा, वर्टिकल. सेम एज E2 के लिए बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, कौन सा, E2 साइन थीटा. ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं. तो फिर से ध्यान दें क्या है, this is the electric field intensity in equatorial position. So now first of all the electric field intensity at point P due to plus Q charge. Formula is E1 which is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by AP square. अब ध्यान से देखें, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करेंगे क्या हो जाएगा, AP square which is equals to AO square plus OP square, है ना. ऑलरेडी यहाँ पे स्केयर है तो ध्यान दीजिएगा, लोग गड़बड़ कर देते हैं, आर स्केयर प्लस एल स्केयर का होल स्केयर, स्केयर नहीं लगाना है अपने को. तो फिर से क्या होगा, 1/4πε0Q/r² + l² दाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज. तो लिखा है यहाँ पे हमने, इट इज अलॉन्ग AP. सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, E2 which is equals to 1/4πε0Q/bp² सेम राइट एंगल ट्राइंगल है. क्या होगा, 1/4πε0Q/r² + l² बट दैट टाइम दिस इंटेंसिटी इज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दैट मीन डायरेक्शन इज अलोंग द नेगेटिव चार्ज. लिखा है यहाँ पे देखो अपन ने, अलोंग PB. अब बहुत ध्यान से अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. यहाँ भी कितना है, 1/4πε0Q/r² + l² और इधर भी है 1/4πε0Q/r² + l² दैट मीन्स फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर E1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर E2. मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज सिंपल फॉर्म. तो क्या हो जाएगा ये, E1 इज इक्वल्स टू A2. मतलब पॉइंट P पे प्लस क्यू चार्ज के कारण, पॉइंट P पे नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकाला, उनके डायरेक्शन अलग अलग हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. दैट मींस इट इज क्लियर कि E1 इज इक्वल्स टू E2. क्या दे दिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर 3. फिर से फिगर पे आ जाए तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर कि बोथ वैक्टर E1 एंड वैक्टर E2 मेक्स द सेम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर दे कैन बी रिजॉल्व इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दैट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या था, E1 इज इक्वल्स टू E2, दैट मींस इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर कि बोथ द वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. एक है डाउनवर्ड, दूसरा है अपवर्ड, देयरफॉर दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ each other. Now here the resulting intensity at point P is equals to sum of both the horizontal component. तो यहाँ पे हमने देखा दोनों vertical component एक दूसरे को cancel out कर रहे हैं, है ना, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. मतलब इस कंडीशन में पॉइंट पी पे जब हम रिजल्टिंग इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम होगा. तो देखिए आ जाए यहाँ पे लिखा अपन ने, नाउ हियर द रिजल्टिंग इंटेंसिटी विच इज इक्वल्स टू व्हाट, E1 cos theta plus E2 cos theta. बट बाय इक्वेशन नंबर 3 E1 इज इक्वल्स टू E2, मतलब E1 को E2 से या E2 को E1 से आप लोग रिप्लेस कर दें तो क्या होगी अगली कंडीशन हमारी, E1 cos theta plus E1 cos theta, दैट मीन्स फॉर 2 times E1 cos theta.
ई1 की वैल्यूज है हमारे पास, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, उठा के रख दीजिए, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अगली स्टेप क्या होगी, 2 × 1/4 π ε₀ q/r² + l² × cos θ। अब हमको वैल्यूज निकालना है किसकी, cos थीटा की। तो फिर देखें, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, कौन सा है ट्रायंगल, OAP, यह है एंगल हमारा थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यूज निकालो, क्या होता है हमारा कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो, हमने अलग से निकाल के बताया आपको, कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, बेस कितना है अपना OA, हाइपोटेनियस कितना है AP। OA की बात करें, क्या है इसका मैग्नीट्यूड, L। और थोड़ी देर पहले ऊपर आपने AP स्क्वायर की वैल्यूज निकाली थी, यहाँ पे हमको AP चाहिए, मतलब स्क्वायर हटाएं तो रूट लगाना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, L/√r² + l², मतलब हमारे पास कॉस थीटा की भी वैल्यूज है। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, अगली स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, 1/4 π ε₀ 2q/r² + l² × l/r² + l²²² पढ़ाए बचपन में अपन ने कि बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, मतलब अगली स्टेप हमारी क्या होगी, 1/4 π ε₀ 2qL/r² + l² ⁄3/2, 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। पढ़ा अपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में कि P विच इज इक्वल्स टू व्हाट, q × 2L, दैट मींस दिस 2QL कैन बी रिप्लेस्ड बाय P, दैट मींस द नेक्स्ट स्टेप इज E which is equals to 1/4 π ε₀ p/r² + l² ⁄3/2। बट वंस अगेन इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, दिस L इज लेस एज कंपेयर टू R, दैट मींस व्हाट, कि L इज लेस देन बाय R, देयरफॉर L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन बाय R स्क्वायर, देयरफॉर निग्लेक्टिंग L स्क्वायर इज कंपेयर टू R स्क्वायर। तो ये वाली कंडीशन वापस से हम यहाँ पे रख दें, एल स्क्वायर को देखो अपने क्या कर दिया, निग्लिजिबल, मतलब एल स्क्वायर हो गया 0, क्या बचेगा r² ⁴ 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितनी बची यहाँ पे पावर हमारे पास में क्यू, दैट मीन द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्विटोरियल पोजिशन इज E which is equals to 1/4 π ε₀ p/r³। यूनिट याद रखना, हर बार लिख के आना एग्जाम में हमको, क्या है न्यूटन पर कूलम। बट वंस अगेन इट इज क्लियर फ्रॉम द फाइनल एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसके पहले वाले केस में भी हमने देखा था, वो भी हमारी क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था, यहाँ भी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल